कांगड़ा फोर्टिस प्रदेश का पहला निजी अस्पताल बन गया है जहां वैक्सीन लगना शुरू हो चुकी है। उपायुक्त कांगड़ा राकेश प्रजापति ने इसकी शुरुआत की। आपको बता दें कि फोर्टिस अस्पताल प्रदेश का पहला ऐसा निजी अस्पताल है जहां कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है। अस्पताल में कोवैक्सीन और कोवाशील्ड दोनों ही वैक्सीने लगाई जा रही है, जिनकी बुकिंग रोजाना सुबह 10 से 11 बजे तक होगी। फोर्टिस में रोजाना 100 लोगों को ही वैक्सीन लगाई जाएगी। मेरा नाम शिवानी है और मैं पालमपुर से आई हूँ वैक्सीन लगाने के लिए। हाँ, वैक्सीनेशन फर्स्ट डोज के लिए। उपायुक्त कांगड़ा ने बताया कि फोर्टिस अस्पताल प्रदेश का ऐसा पहला निजी अस्पताल है जहां 18 से 44 आयु वर्ग के व्यक्तियों को ये वैक्सीन लगाई जाएगी और सरकारी पोर्टल के माध्यम से ही इसकी रजिस्ट्रेशन हो रही है। पूरे देश भर में ये पहल हुई है कि प्राइवेट हॉस्पिटल के माध्यम से भी जो वैक्सीन है वो लोगों को पहुँचाई जा सके। जो लोगों के पास स्टेइंग कैपेसिटी है, अगर इस सुविधा का लाभ उठाना चाहते हैं तो सुविधा उठा सकते हैं। और हिमाचल प्रदेश में फोर्टिस हॉस्पिटल पहला हॉस्पिटल प्राइवेट हॉस्पिटल है जहाँ पर इस तरह की सुविधा स्टार्ट की गई है। आने वाले समय में और भी प्राइवेट हॉस्पिटल पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। आपके माध्यम से मैं लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाना चाहता हूँ कि इसमें भी अगर आपको स्लॉट बुक करना है तो वही कोविन जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसके माध्यम से ही बुक होगा। हाँ, यहाँ पे पेमेंट का रहेगा क्योंकि यहाँ पे जो कोवैक्सीन है 1250 रुपये की डोज लगाई जाएगी और जो कोविशील्ड है 850 रुपये की लगाई जाएगी। लेकिन अब ये सुविधा है ताकि लोग एक इन्फॉर्म चॉइस कर सकें। गवर्नमेंट में अवेलेबल तो गवर्नमेंट में जाएँ, प्राइवेट में पेइंग कैपेसिटी के हिसाब से अगर क्षमता है तो प्राइवेट में आएँ। लेकिन ये अवेलेबिलिटी हर जगह होनी चाहिए ताकि मैक्सिमम लोग हम कवरेज कर सकें। अभी मेरे को बताया गया कि 18 से 44 साल का जो उम्र है उसमें लगभग कांगड़ा में ही 680,000 लोगों को कवर करना है और अभी तक हम सिर्फ 21,000 लोगों को कवर कर पाए हैं। तो बहुत सारे लोगों को कवर करना है और उसमें गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट की पार्टनरशिप अगर हो तो हो सकता है कि ये कार्य जो है हम जल्दी पूरा कर सकें। फोर्टिस अस्पताल के डायरेक्टर अमन सोलमन ने बताया कि फोर्टिस अस्पताल में वैक्सीन लगना शुरू हो गई है, जिसकी शुरुआत उपायुक्त कांगड़ा के द्वारा की गई। उनके साथ सीएमओ कांगड़ा गुरदर्शन गुप्ता व एसडीएम कांगड़ा भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन के लिए समय जरूर लग रहा है क्योंकि पूरा प्रोसेस किया जा रहा है और वैक्सीन लगाने के लिए आने वालों को दिक्कत ना हो इसका भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। प्राइवेट हॉस्पिटल इन द रीजन टू स्टार्ट ये शुरू करने के लिए एंड हमारे अस्पताल में दोनों वैक्सीन उपलब्ध की करवाई जाएंगी। कोविशील्ड ऑलरेडी हमारे पास है एंड कोविशील्ड से हम शुरू कर चुके हैं। कोवैक्सीन हमारा अभी ट्रांजिट में है, वी ऑलरेडी परचेज द वाइल्स एंड वो भी ट्रांजिट में है, अभी हमारे पास पहुँची नहीं है, लेकिन ड्यू कोर्स कोवैक्सीन भी हम उपलब्ध कराएंगे। तो किस तरह देखते हैं सर, यहाँ पर पहला अस्पताल है, कई लोग जो हैं काफ़ी दूर दूर से भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं वैक्सीन लगाने के लिए। हाँ। तो किस तरह उन्हें जांच भी की जा रही है या क्या? हाँ, जैसे अभी सीएमओ साहब से बात हो रही है, 18 to 40 को इस ग्रुप में 6 लाख प्लस अभी हमारे रिसिपिएंट्स बाकी हैं और इसमें सरकार प्राइवेट हॉस्पिटल्स में दोनों को एफर्ट लगानी पड़ेंगी। एंड बाकी स्क्रीनिंग में हम जो हमारे काउंटर है तो कूपन लेके थोड़ा सा वहाँ पे फर्स्ट गार्ड एक स्क्रीनिंग करता है, टेम्परेचर ले लेता है, डिटेल्स चेक कर लेता है, आधार कार्ड है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, क्योंकि विदाउट रजिस्ट्रेशन आने स्पॉट रजिस्ट्रेशन की अभी पॉसिबिलिटी नहीं है। हम उसके क्या ऑप्शन है ये अभी फाइंड आउट कर रहे हैं, लेकिन स्पॉट रजिस्ट्रेशन अभी उपलब्ध नहीं है तो कोविन ऐप पर ही रजिस्टर करके आना है। तो सिक्योरिटी गार्ड पहले चेक कर लेता है, फिर आपको कूपन दे देगा एंड देन यू गो टू स्क्रीनिंग। वहाँ पे एक हमारे डॉक्टर हैं, वो आपका स्क्रीनिंग करेंगे, आपकी क्वालिफाई करते हैं इन ऑल मेडिकल एस्पेक्ट्स, पहला डोज किसका लिया था और उसके कोई कोमोबिडिटीज तो नहीं है, क्या आपको कोविड हुआ था या नहीं हुआ था, ये सब और कई चीज़ें हैं उसको वेरीफाई करके बिलिंग होती है। बिलिंग में 850 रुपीज़ जो हमारा चार्जेस है कोविशील्ड के लिए एंड 1,250 रुपीज़ कोवैक्सीन के लिए। तो बिलिंग के बाद में वो हमारा रजिस्ट्रेशन काउंटर एंड सेकेंड स्क्रीनिंग होती है, वहाँ पे सिर्फ डॉक्यूमेंट फिर से चेक करके फिर पोर्टल पे आपका रजिस्ट्रेशन होता है, फिर वैक्सीनेशन में पसंद चल जाता है। वैक्सीनेशन के बाद में आधे घंटे का ऑब्जर्वेशन एरिया, उसके बाद में द पेशेंट और जिसने लिया है उसके से वो जा सकते हैं।